सुनो ग्रह क्लेश वशीकरण किए कराए से छुटकारा, काम में अड़चन, अड़चन में पूरन, हर समस्या का समाधान होगा अब हमारे मोहल्ले में, क्योंकि 2000 साल की कड़ी तपस्या के बाद बाबा ब्लू हमारे मोहल्ले में पधार रहे हैं। भाई माइंड ब्लोइंग, बाबा जी आपके चरण पड़ते ही हमारा मोहल्ला धन्य हो गया। बाबा अभी तो हमारे चरण ही पड़े हैं, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे लग रहा है पूरे मोहल्ले के चरण जूतों समेत पड़ेंगे। अच्छा अर्चना जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, हम पहचाने तो नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं। हाँ, कौन हो? क्योंकि अगर आपका जवाब हाँ में होता ना, हाँ, तो फिर हमने सिद्धू साहब से बात कर लेनी थी। क्योंकि आज हमने यहाँ पर बच्चा को लूटना है, आप सबने हमारा साथ देना है। भाई सिद्धू साहब तुमको भी बड़ा याद कर रहे थे। हाँ, वो मेरा प्यार ही बड़ा उनके साथ। नहीं, प्यार की बात नहीं है, वो कह रहे थे कि चंदू को जो बाल तोड़ हुआ था ठीक हुआ कि नहीं, ऐसे बोल रहे थे। इतने बड़े पॉलिटिशियन है, बाल तोड़ की बात वो क्यों करेंगे? आप भी ना ऐसे ही। अच्छा तो बाबा गिरी पर ध्यान दो, आप सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात, हम बाबा गिरी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन तुमने ऐसी ऐसी बातें करनी है कि सबको लगे हम बड़े चमत्कारी बाबा हैं। बाबा जी आप उसकी टेंशन ना ले, हाँ, क्योंकि साइकिल को बना दे कार बाबा ब्लू की, चाकू को बना दे तलवार बाबा ब्लू की, और जो लड़कों को पहना दे सलवार बाबा ब्लू की, जय जय कार। हाँ एक मिनट, ये कौन है बदतमीज? अर्चना जी मैंने इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को उठाया था, इन्होंने शोर मचा मचा के उनको फिर सुला दिया। ये क्या गंदी हरकत है? कौन हो आप लोग जो औरतों की नाइटी पहन के मोहल्ले में शोर मचा रहे हो? शान प्रभु शान, बालिका नादान है, मूर्ख या बाबा ब्लू है? हाँ, 2000 साल की तपस्या की हो इन्होंने, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक की सभ्यता का पता इनको। हाँ भाई हाँ, हिमालय पर्वत को बर्फ किसने दी? बाबा ब्लू ने। हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लिबर्टी किसने दी? बाबा ब्लू ने। हाँ, प्रमीत को अर्चना किसने दी? बाबा ब्लू ने। नहीं नहीं, इतना भी हम किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, अब तो बाबा के साथ रह रहकर थोड़ा बहुत चमत्कारी हम भी हो गए हैं। हाँ, हम बालिके तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम रहने दो, पिछली बार इसने एक औरत को आशीर्वाद दिया था, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी। वाह 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 वाह, नहीं उस औरत की सास इसके पीछे पड़ गई, भाई हमारा बेटा तो 2 साल से सऊदी में है, बच्चा कैसे हो गया? हाँ बच्चा, बाबा तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे, बाबा महिला का पथ प्रदूषित करें। हैं? बाबा जी आप पहले अपने चेले को ना हिंदी की एमए करवाओ, पथ प्रदूषित नहीं पथ प्रदूषित होता है। लगता है तुम दोनों को हिंदी की एमए करनी पड़ेगी, ये कसूर मेरा ही है, सबको पंजाब से पकड़ के ले आया। अगर कोई एक आध मध्य प्रदेश से पकड़ के लाता तो तुम लोगों को पता होता कि पथ प्रदर्शित नहीं पथ प्रदर्शित होता है। हाँ बाबा जी, मध्य प्रदेश नहीं होता, मध्य प्रदेश होता है। हम भी तो वही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश। ओहो हो हो, लगता है बाबा जी चल बसे। आरआईपी बाबा जी। नहीं नहीं नहीं, बाबा जी ध्यान लगा रहे हैं। हाँ, ऐसा ध्यान बाबा जी को ना लगाने दो, एक बार हमारे नाना जी भी ध्यान पे गए थे, फिर हमने उनका ध्यान नहीं रखा, 4-5 दिन बाद 4 लोग उनको कंधे पे लेकर गए फिर। बाबा जी मूर्ख बालके, हमें तुम्हारा वर्तमान साफ दिखाई दे रहा है, 11 बच्चे 15 भैंसे और एक सांड जैसा पति, और एक छोटे बैंगन जैसी तुमने बहन रखी हुई है, हमको सब पता है। हाँ पापा ब्लू की।
जय भीम जय। बाबा जी आप तो जाने जानो, ने तो सब बता दिया। अच्छा बाबा जी ये भी बता दो, मैंने ना घर में ना किचन में आलू उबलने रखे गैस पे, देखना जरा आलू उबल गए। ओ बाबा जी संजीव को पूर थोड़ी है। तो तुम्हें ये पता करना है किचन में आलू उबले हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बता, अभी पता करते हैं, चक्कर देखना घूमता रहता है। बता दो बाबा जी। हुदुम आलू अभी उबले नहीं है, उसको टाइम है। आपने हुदुम क्या क्यों बोला? आलू बड़े गर्म थे इसलिए हुदुम। बाबा जी आप ना फड़े गए, मैंने तो किचन में आलू उबलने रखे ही नहीं है, झूठे। ओहो हो हो। देखो बच्चा कौन सा घर है तुम्हारा? ये वाला। ओहो हो, हम उधर चले गए थे। गलती तुम्हारी भी नहीं है और गलती हमारी भी नहीं है। बाबा जी आप फिर फड़े गए, उनके घर तो चिकन बना हुआ है। अच्छा तभी मैं कहूँ इतना टेस्टी को लग रहा है। पापा जी आप नॉनवेज खाते हो? नहीं नहीं, शादी के बाद हमारी बीवी ने सब कुछ छुड़वा दिया था, अब हम नहीं खाते हैं। शादी के बाद? पापा जी आप तो शादीशुदा हो, आप पापा कैसे बने? वो हम ध्यान लगा रहे थे तो हमारा ध्यान गलत जगह लग गया, लेकिन अब हम कुंवारे हैं। मुझे ना शक हो रहा है, मेरे को पापा जी आप पे यकीन नहीं आ रहा, मेरे मन में एक सवाल है। पापा से सवाल, 2000 साल पुराने बाबा। हाँ झूठे, 2000 साल पुराने बाबा, ये तो बड़े यंग दिख रहे हैं। भाई 2000 का नोट देखा है? हाँ जी। वो भी तो कितना यंग है। लेकिन बाबा जी वो तो अभी अभी आया है। हाँ तो हम भी तो अभी अभी आए हैं, 2 मिनट पहले आए थे। हाँ यार बाबे की बात पे लॉजिक तो है ही। बाबा जी आपको क्या क्या पता है? और हमको सब पता है, हमको तो ये भी पता है तुम 2-3 जगह और भी शूटिंग करती फिरती हो। हाँ क्या करूं बाबा जी, एक शो से ना घर नहीं चलता मेरा। बाबा जी मैंने सुना है कि जो आप बड़े बड़े बाबा होते हो ना, आपके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भक्त होते हैं। हाँ। आपका भी कोई है? बहुत ज्यादा है, बताओ भाई। बाबा जी कोहली का फोन आ गया। कौन सा कोहली? विराट कोहली। अच्छा वो कह रहा है कि सारे मैच आ रहे हैं, क्या करें? अच्छा अच्छा हाँ भाई आ गई हमारी याद, 2 मैच हारे बाबा की याद आ गई है। शादी के वक्त तो बाबा याद नहीं थे, उस वक्त तो हमको कार्ड भी नहीं दिया, इटली में जाके शादी कर ली, अब जाके इटली वाले बाबा से ही पूछो। हाँ और सुनो धोनी तुम्हारे साथ में खड़ा है, उसको मेरा आशीर्वाद दे देना, अपने पास ना रख लेना, इस बार धोनी जीतेगा। हाँ नहीं खेलते तुम भी अच्छा हो, लेकिन तुमने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया। हाँ धोनी ने शादी में बुलाया था, हमको कढ़ाई पनीर भी खिलाया था। हाँ फोन रखो। पापा जी आपको धोनी ने अपनी शादी में बुलाया था? बच्चा हेलीकॉप्टर शॉट जानती हो? हाँ जी ऐसे जो धोनी के पास है। हाँ? वो पहले साइकिल शॉट था। हाँ? उसको हेलीकॉप्टर बनाया हमने, बोलो भाई। बाबा ब्लू की जय। बाबा ब्लू की जय। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ बेल मछली पहले उड़ नहीं पाती थी। हाँ? अभी भी नहीं उड़ पाती। हाँ तो उसने भी हमको अपनी शादी में नहीं बुलाया है। हाँ? जिस दिन बुलाएगी वो भी उड़ जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं, ये बहुत है। 2-3 से ज्यादा हम नहीं कह सकते। तुम बहुत ज्यादा गप्पे मार रहे हो, चुप रहो। पापा जी आप धन्य हो। पापा ब्लू की जय। पापा जी आप अभी तक कहाँ थे? ये इधर ही बाजू में है? बाजू में मतलब बाजू में दिल होता है बच्चा। तो बाबा सबके दिल में रहते हैं, अगर तुमने ज्यादा बोला मुक्का चूस के तीखा करके तुम्हारी किडनी पे मारूंगा। बाबा ब्लू की जय। बाबा जी अगर आप हर जगह हो तो बाबा जी हम जो टिश्यू यूज करते हैं आप उसमें भी होते हो। क्या बात है। टिश्यू पेपर में हम नहीं बचा, ये होता है। पापा जी आप हर जगह होते हो तो बाबा जी मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर ये दिव्य दृष्टि हासिल होती है। एक काम करो तुम ये चश्मा ले लो, उससे
ये शक्ति तुम्हें प्रदान हो जाएगी। ये मात्रा 150 रुपए। मात्रा नहीं, पहले मात्रा ठीक करो। सीखो कुछ इनसे। मात्रा 150 रुपए में ऐसे होता है? कसूर मेरा ही है बालके, मध्य प्रदेश से लाना चाहिए था कोई। सारे के सारे बड़े बड़े मुंह वाले पंजाब से आ गए हैं। बाबा जी आपसे एक बात कहूं? हाँ जी जी। बाबा जी मेरा हाथ देख के भविष्य बता दो। हाथ दिखाओ भाई, तुम कब तक भैंसों का गोबर उठाती रहोगी? तुम्हारे हाथ में तो अंबानी योग है। पापा जी अंबानी योग? हाँ हाँ अंबानी योग भाई, जिसमें तुम्हारे बच्चों की शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे, तुम्हारे अपने जहाज होंगे भाई, तुम्हारी अपनी क्रिकेट टीम होगी। हाँ पापा जी मुझे अभी दिलवा दो, पापा जी मैं खरीद लूंगी, पापा जी अभी दिलवा दो ये सब। नहीं 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 नहीं, उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि उसका हवन करवाना पापा जी ने। हाँ 2 लाख रुपए? पापा जी मेरे को तो है गए नहीं। पापा जी 50,000 से कुछ हो सकता है? 50,000 में अंबानी तो बन जाओगी, लेकिन पैसे नहीं आएंगे। हाँ तुम्हारा हेलीकॉप्टर तो आ जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। तुम्हारी क्रिकेट टीम भी होगी, लेकिन खेल नहीं पाएगी। तुम कहोगी खेलो, वो कहेंगे हम थके हुए हैं। एक्टर आएंगे, फोटो नहीं खिंचाएंगे। अनिल कपूर आएगा, लेकिन जकास नहीं करेगा। हाँ और बिना जकास के अनिल कपूर का कोई फायदा नहीं है। हाँ बता रहे हैं। बाबा जी कोई भी नहीं आएगा, अर्चना जी भी नहीं आएंगी। ये आ तो जाएगी, लेकिन जाएगी नहीं। हाँ हम बता रहे हैं भाई, हम बाबा तो बन गए हैं, लेकिन इसको भेजना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर बाहर खड़े वेट कर रहे हैं, ये नहीं जाती है। बच्चा ये तो 4 महीने से एक ही कुर्सी पे बैठी हुई है, ये उठती नहीं है। कहीं कपड़े बदलने जाती है, कुर्सी पे थूक के जाती है। तो फिर वापस आकर कैसे बैठती है? ऐसे खूनी से साफ करके बैठ जाती है। हाँ लेकिन बाबा जी हम लोग बहुत गरीब है, 2-3 हजार से कुछ नहीं हो सकता। नाश्ता हो सकता है भाई, नाश्ता मंगा लो। देखो जलेबी पूरी मंगवा लो, पेट भरा होगा, अच्छे विचार आने की संभावना होती है। चले बाबा जी, कुत्ते के लिए रोटी रखी थी वो दे दूं आपको। अपमान, घोर अपमान, हमारे बाबा का घोर अपमान। नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं तुम्हारा किया है भाई, हमें तो उसने कुछ नहीं कहा। वेरी फनी। चलो फटाफट से ओ पैसे दे दो, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। बाबा हाँ। जी वो ना पैसे बहुत ज्यादा है, मुझे ना बच्चा से पूछना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड वो ना भी बाहर गए हैं, वो जैसे आ जाएंगे मैं उनको पूछ के ना 2 लाख रुपया ले आऊंगी। बच्चा से पूछोगी? हाँ जी। अंबानी ने अंबानी बनने से पहले किससे पूछा था? अर्चना ने इधर आने से पहले सिद्धू से पूछा था? कोई किसी से नहीं पूछता है। तुम पैसे लेके आओ, नहीं तुम्हारा मुहूर्त निकल जाएगा। मैं मर गई। नहीं बाबा जी आप मुहूर्त को पकड़ के रखना, मैं अभी जाके 2 लाख रुपया लेकर आती हूँ। हाँ भाई, बाबा हाँ। जी आपके लिए कुत्ते वाली रोटी लाऊं? हाँ जल्दी लेकर आओ, अभी आती हूँ। क्या चल कर रहा है हमारे मोहल्ले में यार? कौन हो भाई? बधाई हो आपके मोहल्ले में बाबा ब्लू जी आए हैं। बाबा ब्लू की जय। बाबा सहगल तो सुनाए, संजू बाबा भी सुनाए, बाबा ब्लू क्या आइटम है यार? बताइए बाबा जी कैसी बातें कर रहे हो बच्चा? एक मिनट, आपको हमारा नाम कैसे पता चला कि हम बच्चा है? भाई हमको तो ये भी पता है कि तुम्हारे मन में अर्चना के लिए अजीब अजीब विचार आते हैं। तुम इनको गलत नजरिए से देखते हो। अर्चना जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके मन में आपके लिए एक अलग तस्वीर बनी हुई है, हम सारे समाज को दिखाना चाहते हैं। ये देखो, ये आपके बारे में ये सोचता है। अरे ऐसा ऐसा विचार कभी कभी आ जाता है। क्या है क्या? आपका चेहरा ना हमारे कजन ताऊ से मिलता है, इसलिए। लेकिन मानना पड़ेगा बाबा, मतलब आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो अंतर्यामी निकले। ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी एक यमी गौतम भी निकलते हैं। अब ना तुम्हारा गौतम कुछ ज्यादा गंभीर लग रहा है, हीरोइन कहां से लग रहे हैं ये? बच्चा हम जब शिफॉन की साड़ी पहनते हैं हम बहुत सेक्सी लगते हैं। हाँ तुम कहीं हमें उस गाने पे नृत्य करते देख लो। सुन साबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया भी, तू भी मुझे चुन 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 चुन। हाँ
तुम भी कहोगे मेरा नाम चुन 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 भी चुन 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 बाबा चुन चुन चुन। हाँ हेलो। हाँ जी। और बाबा जी नासा से फोन है, कहते शनि भारी हो रहा है। शनि भारी हो रहा है? शनि को बोलो दौड़ा करे, और सूरज को कहो इस बार धरती चक्कर नहीं लगाएगी, इस बार सूरज चक्कर लगाएगा। बैठा बैठा मोटा हो रहा है और गर्म भी बहुत हो रहा है, हमारे भुंसियां निकल रही हैं। ए, सुन लिया? जी ओके तथास्तु। अरे बाबा ऐसा है कि हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए ना, हमारी एक साली है भूरी, उसका शादी नहीं हो रहा है, उसका एक बार शादी हो जाए ना तो बस मतलब सारा टेंशन जीवन का दूर हो जाए। उसका समाधान हम बताते हैं आपको। अच्छा आप बताएंगे? आपके मोहल्ले में एक बहुत हैंडसम सा लड़का चंदू रहता है, आप उसके साथ उसकी शादी कर दे, वो हमेशा सुखी रहेगी। बाबा आप जरा ये रखिए। भाई केला क्यों दे रहे हो? नहीं अभी थोड़ा केला से काम चलाइए, क्योंकि आपका ये चेला ना हमारे हाथ से पिटने वाला है। क्या बोला बे? क्या बोला? इधर आ इधर आ। चंदू तुमको स्मार्ट और डैशिंग लगता है। चंदू? अगर चंदू डैशिंग नहीं है तो तुम्हारी साली कौन सी कटरीना कैफ है? ए त्रिचोटी आदमी, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, समझे ना? और वैसा तो ना आप दोनों पे अबे हमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा। गौर अपमान, गौर अपमान। भाई ये गौर क्या होता है? केला खा लो पहले, बताता हूँ फिर बाद में। बाबा की शक्तियों के बारे में ऐसा बोला? बंद करो बेवकूफ बनाना। कौन सी शक्तियां बाबा की? बाबा तुम्हें एक सेकंड में गोरा कर देंगे। हाँ करो फिर करो, हम यहीं खड़े हैं, करो। कैसे गोरा करते हैं बताओ? अभी करते हैं बच्चा, इधर आओ। इधर आओ, इधर ही तो। अपना मुंह हमारे पास करो बच्चा, आंखें बंद करो। इधर देखो, ये देखो बच्चा, तुम गोरे हो गए हो। आहा बच्चा, भाई तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। एक काला कुत्ता देखो जो भाग रहा हो, उसको भागते भागते को दूध पिलाना है। ऐसे दुख दूर हो जाएंगे हमारे? ऐसे बिल्कुल दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है हम अभी, एक मिनट बाबा ये बताइए, ये भागते भागते कुत्ते को जिसको दूध पिलाना है, हाँ। उसके लिए हमें भी उसके साथ भागना है कि नहीं? भाई ये बात तुम कुत्ते से पूछो, अगर उसको कंफर्टेबल लगे तो तुम्हारी आपस की बात है। जाओ जाओ भाई जाओ। आपने काला कुत्ता बताया लेकिन ब्रीड नहीं बताया, कौन सा वाला कुत्ता होना चाहिए? भाई ब्रीड जो मर्जी हो, उसके चार पैर होने चाहिए। अच्छा अच्छा। पूछ होनी चाहिए, ऐसे पूछ हिला रहा हो और बौ बौ कर रहा हो। चलिए ठीक। ए अगर उसकी पूछ ना हिले तो अपनी हिला लेना। बाल बाल में बकवास किए जा रहा है, इतने गुनी बाबा से इतने सवाल नहीं करते। हाँ मैं लो पहुंची। ठीक। अच्छा ये जो कुत्ता है वो भी हम ढूंढ कर दे, अरे वो रोटी हमें खिला देना। जाओ। कुत्ते की रोटी आप खा लेंगे पता नहीं था, खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए चल। इधर नहीं जाना। अरे कुत्ते को दूध पिलाना है तो दूध तो घर से लाना पड़ेगा ना बच्चा। घर नहीं जाना। कुत्ते को चाहे बियर पिला दो लेकिन घर नहीं जाना। हाँ भस्म हो जाओगे और हम भी भस्म हो जाएंगे। बाबा जी। अरे तितली आई। बाबा जी, बाबा जी मुहूर्त निकला तो नहीं ना, मैं पैसे ले आई। निकल गया था, हमने रास्ते से रोका है। अरे तितली अच्छा हुआ तुम आ गई, जरा अंदर से थोड़ा सा दूध ले आओ, एक भागते हुए कुत्ते को पिलाना है, फिर हमारे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। हे, पापा जी ने मुझे भी कहा है कि 2,00,000 रुपया दो, मैं अंबानी बना दूंगा तुमको। मैं पैसे ले आई पापा जी। एक मिनट रुको, 2,00,000 में अंबानी बना दूंगा? हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। भाई इसको बाथरूम दिखाओ, कहीं हमारे कपड़े ना खराब कर दे। अच्छा अब समझ में आया, हमें अपने घर में क्यों नहीं जाने दे रहे थे, यहाँ से ही भगा रहे थे। तितली ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मूर्ख प्राणी, अपनी बीवी को बेवकूफ बोलते हो? तुम्हारे लिए उसने 11 बच्चे पैदा किए, अब तुमको बेवकूफ लग रही है? हे पत्नी इसको काटो। बच्चा तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे नहीं तितली ऐसा, ये असली नहीं है, नकली है ये दोनों। है? बाबा को नकली बोला? हाँ बोला। 2,000 साल पुराने बाबा को नकली बोला। बाबा का गौर अपमान। बाबा भस्म कर दो। भाई कर तो दे, बताओ सही कैसे करना है। नहीं 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 पापा जी प्लीज आप इनको भस्म मत करना। देखा मूर्ख, जिस औरत को तुम बेवकूफ कह रहे थे वो तुम्हारी जान बचा रही है। नहीं नहीं पापा जी, ये मत समझिए कि मैं इससे प्यार करती हूँ,
वो ना वसीयत में लिखा हुआ है कि जब तक मैं 12 बच्चों की माँ नहीं बन जाती ना, जायदाद मुझे नहीं मिलेगी, सारी इस मोटे के नाम पे रहेगी। तुमको शर्म आना चाहिए तितली। तो दूसरी औरतों को देखो जो अपने पति को बचाने के लिए यमराज के सामने खड़ी हो जाती हैं। अच्छा जी, पहले मुझे बताओ ये दूसरी औरतें हैं कौन आपकी लाइफ में? मैं तो कहती हूँ पापा जी आप दोनों इसको भस्म कर दो मोटे को। अरे ढोंगी हैं ये दोनों, 2 लाख रुपया ले भी जाएंगे और कोई अंबानी अंबानी नहीं बनने वाली। अरे कोई शक्तियां नहीं है, शक्ति नहीं है, कैसे शक्ति नहीं है? पापा जी दिखाओ शक्ति, हो जा तैयार। आप तैयार है? हाँ तो भाई हमको तो तैयार होने दो। 2 मिनट तो लिया करो भाई, तू 1 मिनट में शक्ति दिखा दो, 1 मिनट में शक्ति दिखा, ऐसे करोगे हम फिर चले जाएंगे बम बम। हाँ शक्ति दिखाएंगे, रुको दिखाओ दिखाओ शक्ति दिखाओ। ये देखो ये क्या है? डंडा। हमारा डंडा हमने रखा इस पे मुंह। रख तो दिया, डंडा निकाल लो। मुंह गिरा नहीं ना, देखा जाए जाए लगा रखा है फालतू का, कोई कोई इसमें शक्ति वक्ति नहीं है, बेकार का बात कर रहे हैं। बाबा से बहस करते हो? हाँ करता हूँ। सुनो अगर हम चाहें तो अपनी एक उंगली से अपने चेले को उठा सकते हैं। हाँ एक उंगली से। हाँ अब हम मानेंगे, कर करके दिखाओ, करके पापा दिखाओ। जी कर दो कर दो। उठाएं चेला, देखो अब देखी शक्ति। हमारे अंदर भी, हम भी एक उंगली से अपनी बीवी को उठा सकते हैं। अच्छा तो इसलिए शादी की थी, एक उंगली ऐसे करो तो बीवी बैठ जाए, एक उंगली ऐसे करो तो उठ जाए। रेसिस्ट प्राणी। वाह बच्चा वाह, ये तुम्हारा असली चेहरा, हम तुम्हारी कठपुतली हैं क्या? मैं तो कहता हूँ 2 लाख रुपए दो, बीच में इसका भी इलाज कर देंगे। अच्छा ये बार बार पैसे क्यों मांग रहे हो? आप लोग तो कहते हैं पैसा सब मोह माया है। तो आशीर्वाद दे रहे हैं तभी पैसे ले रहे हैं ना। हाँ तो आशीर्वाद के लिए पैसे कौन लेता है भाई? तुम भी तो दूध देके पैसा लेते हो। तो दूध का आशीर्वाद से क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना है, लोग आशीर्वाद देते हैं। दूध नहाओ पुत्र फलो। वाह बाबा जी वाह, क्या बात बोली है। बाबा ब्लूगी जय, बाबा ब्लूगी जय। अपना आपके जय में हमें थोड़ा थोड़ा वीरू दिखाई दे रहा है। अच्छा भाई बाबा जी आप उठो पीछे, बाबा जी आप ये 2 लाख रुपया रखिए। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं देना है। अच्छा यार देने दो मुझे पैसे, तुम नहीं चाहते कि मैं अंबानी बनूं? अरे तुम अंबानी बनो, अडानी बनो, अबराय बनो, जो बिल्कुल नहीं। 2 लाख में सिर्फ अंबानी बनाएंगे, अगर अडानी बनाना है अबराय बनाना है 3 लाख और लगेगा। हाँ हम पहले से बता रहे हैं। ए बाबा लोग अब ना बहुत हुआ तुम्हारा, चलो निकलो यहाँ। क्या यार ये बात क्या करो ना, इतनी बदतमीजी के साथ बाबा से बात कर रहे हो? बाबा जी भस्म कर दो इनको। बच्चा बदतमीजी ठीक है लेकिन ये तू लाउड बोलते हो हम डर जाते हैं। अपना भस्म करो करो भस्म, हम इधर ही है, करो करो। देखो देखो अगर कोई हमें 4 बार कह दे उसको हम भस्म नहीं करते हैं। और तुम नहीं हो, इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। किसकी आत्मा आ गई है? अरे कोई आत्मा नहीं, हम बच्चा यादव है यार। अभी रुको, बता कौन सी आत्मा है तेरे अंदर? बताओ भाई बताओ, बताओ। अरे हम बच्चा, बताओ भाई बता। अरे बच्चा यादव है, कोई माइकल जैक्सन थोड़ी ना है यार। माइकल जैक्सन की आत्मा आ गई है तुझमें, माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन की कोई आत्मा नहीं, हम कोई माइकल जैक्सन नहीं, बच्चा यादव है। और तेरी जात का वायदा मारू, बोल आज मारू या कल मारू। इतने वायदे हम तुमको मारेंगे ना, भूल जाओगे कि वायदा हो कि मैदा हो। चलो निकलो यहाँ से यार, वायदा वायदा लगा रखा है। चलो और भाभी आपने बच्चे को संभाल कर रहा। अभी कौन बोला? मैंने नहीं बोला, चंदू ने बोला। चंदू यार कप्पू मैंने तुम्हें कहा था नाम नहीं लेना, हम पकड़े जाएंगे। बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, गेट कहाँ है? कृपा वहीं से आनी शुरू होगी। भाग रहा है, हमको हाथ नहीं लगाओगे। हट जाओ।